प्रणाम। द वर्ल्ड यूनाइटेड चैनल में आपका स्वागत है। योर वीडियो डॉक्टर युगांधर के वीडियो लेट गो ऑफ योर हेड एंड हार्ट इनटू द हरा का हिंदी अनुवाद है। बहुत से लोग जिन्हें स्वयं देखने के तरीके दिए जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं के विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना, जिस तरह से रमन महर्षि और अन्य लोगों ने सिखाया जो अद्वैत के रास्ते पर थे, उन्हें अजीब सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जितना अधिक वे अपने विचारों का पीछा करना शुरू करते, उतना अधिक वे सतह पर लौट कर आते। वे अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं से अवगत और जागरूक होने लगे। ये और भी परेशान करने वाला था कि लोगों के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का यह तरीका सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यही कारण है कि विधियाँ हमेशा भिन्न होती हैं, जिन्हें एक समान नहीं किया जा सकता। जब ये हारा की बात आती है, अंतर यहाँ है कि हालांकि हमने संरेखण के उपकरण के रूप में सांस के साथ शुरू किया था, मुक्त करना और सांस छोड़ना, और सिर को हृदय और हृदय को हारा में छोड़ना, धीरे धीरे हर गतिविधि को इसी दृष्टिकोण से आरंभ और संपन्न किया जाना चाहिए, जिसे हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और जिस पर हम जोर देते आ रहे हैं। जब सांस के अवलोकन की बात आती है और सभी दूसरे बिंदु जो मैं साफ कर चुकी हूँ, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। ये प्रतिबंधित सीमित मस्तिष्क और अधिक संख्या में विचारों के बारे में जागरूकता होने के बजाय विचारों में स्थान के बारे में जागरूक हो जाएगा। इसलिए पर्यवेक्षक या देखने वाले के बारे में जानने के बाद आप स्वयं ऐसा नहीं कर सकते। ये तो विचारों के अवलोकन से होता है, जिसकी मैं अभी सलाह नहीं देती हूँ, जो अभी मैं एक समान नहीं कर पाऊँगी, समरूप भी नहीं कर सकती, क्योंकि लोग अलग अलग साइको इमोशनल स्ट्रेटा से आते हैं। लोगों को अपना तरीके अपनाने की ज़रूरत है, लेकिन हारा अधिक आसान है। ये कोई प्रयास नहीं है, हम प्रयासों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, हम एकाग्रता को भी प्रोत्साहित नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रधानता दे रहे हैं। मैं सलाह दे रही हूँ श्वास को देखने की और हारा में खाली करने की, हारा के खालीपन, जागरूकता का इतना खालीपन जो कि शून्यता में हो, शून्यता शुद्ध शून्यता में हो रहा हो। शून्यता एक प्रतिफल है, आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते, ये होता है। यहाँ तक कि पहला और दूसरा विचार जो आप क्या करने में शुरू करते हैं, निश्चित समय के बाद ये जागरूकता में जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि ध्यान के अंदर जागरूकता की ओर बढ़ना है और जागरूकता को जागृति की ओर बढ़ना है, यही एकमात्र तरीका है।